मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ कल सद्भावना एक्सप्रेस से मुरादाबाद जाने के लिए निकली। महिला के पास यात्रा के लिए कोई टिकट नहीं था, लिहाजा ट्रेन में चेकिंग के दौरान टीटी ने महिला से टिकट और जुर्माने की बात कही। महिला ने सीट की डिमांड की तो टीटी ने थोड़ी देर बाद उसे पैंट्री कार में ले जाकर बैठा दिया। टिकट के नाम पर केवल 550 रुपये का टिकट बना दिया। आरोप है कि इसी के बाद टीटी ने महिला से छेड़छाड़ शुरू की। महिला ने विरोध किया तो टीटी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। महिला ने फ़ोन कर अपने पति को जानकारी दी। पति के कहने पर आज सुबह जब ट्रेन सुल्तानपुर जंक्शन पहुंची तो महिला ट्रेन से उतरी और जीआरपी से पूरे मामले की लिखित शिकायत की। ट्रेन में छेड़छाड़ की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। फ़िलहाल जीआरपी ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। जीआरपी ने साफ कहा कि टीटी पर दोष सिद्ध होता है तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। अपनों की खबर आप तक। स्टेशन से ट्रेन पकड़े हैं और उसके बाद 10 मिनट हो गया वो टीटी आए हैं, बोले टिकट लाओ तो हम बोले मेरा ट्रेन छूट रहा था इसलिए टिकट मेरा वेटिंग में था, मगर वो बोले नहीं उसको नहीं माना जाएगा। तो फिर हम उसको टीटी को बोले क्या से आप टिकट बना देते तो हाँ बना देते तो कितना लीजिएगा तो 4000 लगेगा। तो हम बोले कि 4000 क्या चीज़ का लगेगा, तो वो बोले क्या ठीक है 4000 नहीं हो तो 900 रुपया लाओ तुम्हारा टिकट बना देते हैं। उसके बाद हम बोले ठीक है बना दीजिए। तो उसके बाद वो अपने आदमी को भेजे और बोले क्या से चलो चलो वहाँ टीटी साहब बुलाए हैं तुमको। तो वो लास्ट में सात कोचिंग छोड़ के सात डब्बा छोड़ के लास्ट में लेके गए और उसके बाद वो वहाँ पर बोले बैठने के लिए बोले तो हम बोले टिकट बना दीजिए। तो वो टिकट बहुत देर के बाद बनाने के लिए आए। उसके बाद पहले हमको थोड़ा मोड़ा छेड़खानी करने लगे तो फिर हम बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, तो बोले कुछ नहीं है ऐसी बस हमके। उसके बाद वो टिकट निकालने के लिए चाबी भी ढूंढे आदमी को बोले। उसके बाद थोड़ा देर के बाद चाबी निकाले और टिकट निकाले तो उसमें हम 1000 रुपया हमसे सबसे पहले पैसा ले लिए। टिकट पहले हम बोले पहले टिकट दीजिए, पहले पैसा ले लिए 1000 रुपया और उसके बाद क्या कहता है वो टिकट बना दिए 550 का। हम बोले कि आप तो स्लीपर ना दे रहे थे तो 550 का जनरल क्यों बना दिए। तो बोले ज़्यादा बोलेगी ना तो तुमको जुर्माना 4000 ठोक देंगे, ऐसे बोले। तो हम बोले कि जुर्माना क्या चीज़ का, आप तो बोले ना कि तुम्हारा स्लीपर बन जाएगा, टेंशन मत लो शांत रहो। उसके बाद हो गया तो बोला वो बोला यहीं पे बैठो, खाने वाले बोगी में ले जाकर एकदम लास्ट में बैठा दिया था जिस जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे पूरा उसी का जान पहचान का था। सर बोलते थे और हम अकेला थे वहाँ पे, हमको आगे पीछे देख रहा, मेरा बच्चा सोया हुआ था। हम उसके बाद हो गया तो वो बैठ गया मेरे पास में, बैठने के बाद हमको सीना पर हाथ डाला तो हम साइड हो गए। हम कैसे क्यों कर रहे हैं, हम डर गए थे क्योंकि बच्चा था पास में तो बच्चा को कुछ कर देता, बोल रहा था कि ज़्यादा कुछ बोलेगी ना तो तुम्हारा यही कुछ कर। तो हम डर गए थे इसलिए फिर उसके बाद ऐसे क्या कहता है वो डर गए थे तो फिर हम फ़ोन अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाए थे। फ़ोन लगाने के बाद हम बोले ऐसे ऐसे कर रहे, तो वो बोले कि नंबर किसी से हेल्प लो, बोगी में कोई नहीं है, हमके बोगी में कोई नहीं है, सिर्फ 3-4 आदमी हैं और बाकी दूसरे बोगी में लेडीज लोग हैं। तो बोले वहाँ जाके हम, क्योंकि हमको डर लग रहा है हम नहीं जा पाएंगे, बच्चा है, बच्चा को छोड़ के कैसे जाएंगे। तो बोले कि लेके जाओ, हमके पर्स भी है, बच्चा भी है, मोबाइल भी है। तो वो बोले लेके जाओ, तो हम इस बच्चा को और पर्स को सबको लेके गए। तो वो बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। हम फ़ोन से भी बात कर रहे थे तो कह रहे थे, टीटी बोल रहे थे कि क्यों बात कर रही है, किससे बात कर रही है, रखती है फ़ोन, रात भर बात कर रही, डिस्टर्ब कर रही, सोना सोया नहीं जाता है। उसके बाद हम फ़ोन रखने के बाद हम थोड़ा सा, हमको 12 बज गया था तो हमको आँख लग गई थी। आँख लगने के बाद वो एक आया इतना जल्दी आया, मेरा पूरा चेहरा वाला सब ये सब दबाने वाने लगा। हम इतना स्पीड जल्दी से नींद आँख खुला, हमके कौन है कौन, वो बोला हम है। हम बोले कह रहा है कि हम तुम्हारे पास सोएंगे हम भी, हम क्या मेरे पास क्यों सोइएगा। उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बोले फिर कॉल करके बोलने के बाद वो बोले तुम जाओ जल्दी जाओ उधर, कोई पुलिस है उनसे मदद लो। तब हम वो बोले नहीं, हम बोले पुलिस तो नहीं है, तो बोले जाओ जो अच्छा आदमी है ना उससे जाके मदद लो। तो फिर हम उनसे बात कराए कि एक लड़का था उससे बात कराए कि देखिए मेरा साथ ऐसे ऐसे कर रहे। तो वो लड़का बोला ठीक है चलिए हम सामान वामान लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम तो लखनऊ स्टेशन आ गया था तब तक, लखनऊ हम उतरने वाले हैं, से आप सामान वामान ले आइए। सामान वामान लेकर हम वहाँ सेपरेट हो गए थे जेंडर ये रिजर्वेशन में आगे स्लीपर पे। तो ये टीटी का नाम क्या था, कौन था टीटी वो?
नाम देखी थी उसका? टीटी का नाम नहीं देखे थे, मगर मोबाइल में थोड़ा सा वीडियो बनाए थे, बस वो आ गया था तो हम डर के मारे वीडियो उसका बंद कर दिए थे। वीडियो रखी है? हाँ। और वो क्या घटना हुई है, क्या हुई? एक महिला है, आई है अभी, शबनम वाइफ ऑफ आबिद फारूक बैरिया, थाना हरियापुर जनपद मुजफ्फरनगर बिहार की। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, जैसे अभी लिखा पढ़ी में वो जो है मुझे दे रहे हैं, तुरंत संबंध में अभियोग बन गया, उचित कार्रवाई। किसने बदतमीजी की है? उनका कहना है कि टीटी ने जो है, अभी वो लिख के दे मुझे और फिर जो है संबंधित कार्रवाई की जाएगी।